फाइनली हम सभी के बीच में हॉटस्टार की नई मूवी और विद्युत जमाल सर की नई मूवी सना को रिलीज कर दिया गया है, जिसने रिलीज होकर अभी तक तारीख को तोड़ देने के लिए तैयार हो चुकी है। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी के पूरी की पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के बारे में, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे क्या कुछ है इसके पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ओटीटी व्यूज के हाल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के, तो देखते रहेगा पूरा वीडियो। वीडियो की शुरुआत में आपको देखना पड़ेगा एक छोटा सा इंट्रो, उसके बाद कर देता हूं। सना का एक मूवी नहीं, एक इमोशन है विद्युत जमाल सर के फैंस के लिए, हमारे लिए भी बहुत बड़ी इमोशन है, और क्योंकि यह मूवी इनकी बहुत दिनों के बाद रिलीज की जा रही है, जिसकी अपडेट तो एक साल पहले ही आ चुकी थी, लेकिन इस मूवी को कब रिलीज किया जाएगा हमको पूरी की पूरी जानकारी भी नहीं पता थी। लेकिन फाइनली हॉटस्टार वीआईपी ने आज इसको रिलीज करके बहुत अच्छा कदम उठाया है, और साथ ही साथ इस मूवी ने धमाकेदार तरीके से ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस भी दे दिया है अपने पहले दिन में। अगर बात करें इसके पहले का क्या कुछ है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और साथ ही साथ ओटीटी व्यूज का, तो चलिए यही तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इसके पहले का जो ओटीटी व्यूज निकल का सामने आया है वो पहुंच चुका है 14 मिलियन के अक्रॉस में, जो काफी अच्छी बात है इस मूवी के नजरिए से। और इसमें आप सभी को रुक्मणी मित्रा जो कि लीड एक्टर से किरदार निभाते हुए आई है, उन्होंने काफी अच्छी तरीके से एक्टिंग की है, और जो भी ट्रेलर के इसके सीन दिखाए गए हैं काफी ब्लॉकबस्टर सीन भी माने जा रहे हैं, और इस साल 2021 के अभी तक की आने वाली सबसे हिट और सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी बन जाएगी। वही अगर बात करें इसकी थोड़ी सी कंपेरिजन, तो भुज द प्राइड ऑफ इंडिया को जब रिलीज किया गया था हॉटस्टार वीआईपी पर, तो इसको उतना सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन सनक तो सनक ही अलग है, क्योंकि इश्क है तो सनक है तो हर चीज है। और इसमें विद्युत जामवाल के फैंस इतने डाई हार्ड रहते हैं कि इनकी जब भी मूवी आती है उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं, और मैं भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। और इसके साथ साथ इसमें अब बात कर लेते हैं कि इसकी मूवी की शुरुआत कैसे होती है। मूवी की शुरुआत होती है बहुत इमोशनल सीन्स के साथ, लेकिन शुरुआत के 20 मिनट तो थोड़ा लगता है कि ये मूवी देख कर थोड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन जब एक्शन शुरुआत होता है तो क्या बात है, क्या एक्शन रहता है इसमें, और विद्युत जामवाल सर की मूवी में एक्शन ना रहे ऐसा हो भी नहीं सकता। और थोड़ा सा इस पर तड़का लगाते हैं हमारे थोड़े से डांस, जो कि ओ यारा दिल लगाना सॉन्ग आता है, और साथ ही जब धमाकेदार और लगातार 4 के 4 सॉन्ग्स आते रहते हैं तब ये मूवी को बहुत खास बनाता है, और इसी को तो बनाता है ये सबसे ब्लॉकबस्टर सीन। और साथ ही साथ ये मूवी भी साल 2021 की हिट ऑफ ब्लॉकबस्टर मूवी में से भी एक हो जाएगी। बात करें कि इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन मुझे कौन सा लगा, तो इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन जो मुझे लगा है, जैसा आपने पोस्टर में देखा हो बच्चों को बचाते हुए नजर आए थे, उसका बच्चों को देखकर तो साथ में तोड़कर समझ में आ गया था कि पोस्टर कैसा है, कैसी मूवी होने वाली है। लेकिन जब इस मूवी को हमने एकदम सामने देखा हॉटस्टार वीआईपी पर, क्या बात थी यार, क्या छा गई उरु, एकदम मजा आ गया मूवी देखकर। और इसको कहते हैं मूवी, और ये जो अभी आजकल बॉलीवुड में और हर जगह मूवी बन रही है ना, वो कोई मूवी नहीं है भैया, उनको मत देखिए, मैं आपको वह बॉयकॉट करने नहीं आया हूँ, आप देखिए जो मूवी डिजर्व करती है उनको देखिए। जैसे अभी आई थी हमारी दिल मांगे मोर, यानी कि शेर शाह दिल मांगे मोर इट डिजर्व्स टू मोर, और हाल है हमारे सनक मूवी का। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और साथ ही आज वीडियो भी अच्छी लगी होगी, मैंने थोड़े से जल्दी में कंक्लूड कर दिया है ताकि आपके मन में थोड़ा सस्पेंस बढ़ा रहे, हालांकि मेरी वीडियो के यहाँ तक तो आप पहुँचे नहीं होगे, लेकिन फिर भी अगर आप पहुँच चुके हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, साथ ही लाइक भी कर दो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत बाय बाय, और इस मूवी को एक बार प्लीज़ जाके देखना, मेरी आपसे हाथ जुड़ गई विनती है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।